इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष ललितेश जैन जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सांसद नौजवान साथी अक्षय यादव जी, राम सेवक यादव जी, हरिशंकर तिवारी जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, अजीम भाई हमारे आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, दूसरे प्रत्याशी संजय यादव जी, असीम यादव जी, डॉक्टर दिलीप यादव एमएलसी जी, राजनारायण गुप्ता जी, बकारुद्दीन सिद्दीकी जी, गुलाम जिलानी जी, हासिम मंसूरी जी, बिन्नी मित्तल, हनीफ खासकार जी, विवेक अग्रवाल, नौसाद अली सिद्दीकी जी, गुलाब सिंह यादव, अरुण जैन जी, शमशाद बाबा, कासिम सिद्दीकी, अतुल चतुर्वेदी जी, नौसाद आलम, साहिब आलम, सुधीर यादव जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता सामने और उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग माताएं बहने, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। पूरा मैदान भरा है, लोग अभी भी आ रहे हैं और दीवालों पे भी लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, छतों पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन, अपील और सहयोग मांगने आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है इस बार फिरोजाबाद की जनता पर कि अजीम भाई तो जीतेंगे ही जीतेंगे। फिरोजाबाद की सभी विधानसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीतने वाली हैं। अभी टूंडला होकर के आया हूं, टूंडला में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम था, इससे पहले भी मैं सभी विधानसभाओं में जा चुका हूं। मुझे लगता है कि फिरोजाबाद के लोगों ने इस बार मन बनाया है कि पांचों की पांचों विधानसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से काम और विकास फिरोजाबाद में हुआ है, जिस तरीके से काम हुआ है, विकास हुआ है, सड़कें, बिजली, पानी से लेकर के तमाम इंतजाम हुए हैं, एक बार और मौका मिलेगा तो समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा काम और विकास कराने का काम इस क्षेत्र में करेगी। जहां अक्षय यादव लगातार उनके क्षेत्र का विकास कैसे हो, लगातार कौन कौन सी योजनाएं आपको शामिल की जाए, वो तमाम मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अक्षय यादव और समाजवादी साथी जितना विकास चाहेंगे, हम समाजवादी लोग मिलकर के इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। वैसे तो जो समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं और खासकर फिरोजाबाद के लोग जब जोश और उत्साह में होते हैं, तो जब साइकिल चलाते हैं, ये बात जानते हैं कि जब जोश और उत्साह में फिरोजाबाद के लोग होते हैं, तो जब साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो हैंडल का हाथ छोड़ करके भी साइकिल तेज चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है, हैंडल पे हाथ उनका भी लग गया है, तो सोचो अब साइकिल की रफ्तार क्या होगी। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, लोग ये सोचते थे कि सरकार बनेगी, बहुमत आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो दुविधा थी और जो कंफ्यूजन था, बताओ कांग्रेस पार्टी के साथ आने से खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब तो सबको भरोसा है कि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। हम तो कहते हैं कि लोगों को भरोसा है समाजवादी लोगों के काम पर, समाजवादियों के काम पर भरोसा है लोगों को। अगर कोई तकलीफ में, परेशानी में कभी आता है, अगर आप 108, 102 एम्बुलेंस को फोन मिलाते हैं, तो आपके पास एम्बुलेंस पहुंचती कि नहीं पहुंचती है। कम से कम ये भरोसा है लोगों को
पुलिस के लिए भी शुरू कर दिया 100 नंबर। आपको कभी कोई घटना होगी, कोई परेशानी होगी, अगर आप फोन मिलाओगे तो पुलिस भी आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। जो थोड़ी बहुत बुराई है, आने वाले समय में उस बुराई को कैसे दूर कर सकें और भाई पुलिस के तमाम लोगों को क्या सुविधाएं दे सकें, उस दिशा में लगातार सरकार समाजवादियों की काम करेगी। हम तो कहते हैं हमारा फोन करने पे एम्बुलेंस आ जाती है, बताओ। और बीजेपी वाले हमें बताएं कि फोन करने पे उनकी कौन सी एम्बुलेंस आती है। बीजेपी की कोई एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती, बताओ। और फिर हमें और आपको कितना परेशानी में डाल लिया, अच्छे दिन के बहाने कहा कि सरकार बनाइए, सबका साथ दीजिए, और सरकार बन गई तो अच्छे दिन के बहाने बताओ पैसा 500,000 रुपया बंद कर दिया कि नहीं कर दिया, सबको लाइन में लगना पड़ गया कि नहीं पड़ गया। अब तो सब पैसा उनके पास है। फिरोजाबाद के लोग बताओ किसी पे पुराना 500,000 रुपया है, वो तो सब जमा करा लिया। और याद कीजिए, कहा था कि अगर पैसा काला धन भ्रष्टाचार का पैसा मिल जाएगा तो हम गरीबों को 15-15 लाख उनके अकाउंट में पहुंचा देंगे। 15 लाख ना पहुंचा हो, 15,000 रुपये ही मिल गया हो किसी को तो बताओ। और जो साथी लाइन में लगे थे, गरीब मेहनत करके कमाने वाले ईमानदार लोग, और पैसा नहीं मिला, उनकी जान चली गई कईयों की, कई लोग जान, उनके परिवार के सदस्यों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार के 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। इसी तरह अखबार पढ़ा होगा आपने, खबर सुनने को मिली होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जब जानकारी की ये किस परिवार का है, तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था, हम समाजवादी लोगों ने उसकी भी 2 लाख से मदद करने का काम किया। हम तो पूछते हैं, अब तो काला धन और भ्रष्टाचार का पैसा सब जमा करा लिया। और याद रखना साथियों, ये काला सफेद पैसा नहीं होता, कोई पैसा काला सफेद नहीं होता। और जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि अगर काले पैसे से कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वो सफेद हो गया, और अगर सफेद पैसे से कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। पूरे देश को गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरे अर्थव्यवस्था को धोखा दे दिया। और कम से कम शहर के लोग और खासकर व्यापारी तो समझते होंगे समस्या क्या है। हमारे आपके पास तो जो कुछ थोड़ा बहुत था, लेकिन सबसे ज्यादा संकट में अगर किसी को डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को और किसानों को संकट में डाल दिया, उनके साथ धोखा किया। और अभी एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्कैम से बचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्कैम से बचाना है, और स्कैम के बारे में बताया कि एस का मतलब है समाजवादी, सी का मतलब है कांग्रेस, ए का मतलब है अखिलेश, और एम का मतलब है उन्होंने बुआ का भी नाम ले दिया। बताओ कौन नहीं जानता, इन्होंने बुआ से मिलकर के 3 बार सरकार नहीं बनाई क्या लखनऊ में? और रक्षाबंधन किससे मनाया मिलकर के? तो हमने भी कह दिया कि अगर प्रदेश को आपको स्कैम से बचाना है तो हमें भी स्कैम से बचाना है देश को। और हमने कह दिया कि सेव कंट्री फ्रॉम ए से नाम किसका है बीजेपी में, और एम से नाम जिनका है उनसे भी देश को बचाना है।
अभी अलीगढ़ की सभा में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी कहा प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में आए बोले कि समाजवादियों ने कोई काम नहीं किया। हम तो कहते हैं फिरोजाबाद के लोगों के सामने, और मैंने मैनिफेस्टो के समय भी कहा था, मैंने मैनिफेस्टो जब अपना घोषणा पत्र लागू किया था तब कहा था मैंने कि हमने चाहे बहुत काम किया है, जो जो घोषणा पत्र था उसको पूरा जमीन पर लागू किया है, और हमने देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई है, ये जो आपके फिरोजाबाद के दूसरे हिस्से से निकल करके जा रही है दूर से, वो बेहतरीन सड़क है, न केवल प्रदेश की बल्कि देश की सबसे अच्छी सड़क है। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहते हैं अगर आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है, आप कभी उस सड़क पर चल करके देख लेना। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैंने घोषणा पत्र में कहा था कि जो लोग भी उस सड़क पर चल लेंगे वो वोट समाजवादी पार्टी को दे देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अगर उस सड़क पर चल लेंगे, मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी उस सड़क पर चल लेंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी का भी मन करे कि वोट हम समाजवादी पार्टी को दे दें, क्योंकि इतने कम समय में, इतने कम समय में वो देश की सड़क किसी ने नहीं बनाई, वो समाज लोगों ने बना करके दिखा। और जब उसकी परीक्षा जब तो नेताजी के साकू विमान उतारने का लोगों ने किया, तो कहता हूं कहीं आपने देश में सड़क बनाई हो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने, एक भी सड़क नहीं बनाई हो ऐसी, तो हमें बता दें। और जहां तक सवाल विकास का है, बिजली से लेकर के इंतजाम समाजवादियों ने किया है। फिरोजाबाद के शहर के लोग बताएं कब हो तो 20 घंटे से ऊपर बिजली आती कि नहीं आती आपको, तो हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, शायद विधायक बीजेपी का ही होगा, उनसे बताओ, उनसे पूछो कि ये बिजली तो समाजवादियों की है जो तार में चल रही है, आपने क्या दिया ये बता दो पहले। तो ये बिजली जो 24 घंटे है, ये जो एम्बुलेंस है, आपका जो मेडिकल कॉलेज है, कोई बीजेपी की देन नहीं है, ये समाजवादियों का प्रस्ताव था और कांग्रेस की योजना थी, उसकी वजह से आपको फिरोजाबाद में एक मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। इसलिए मेडिकल कॉलेज दे रहे, एम्बुलेंस दे रहे, और अजीम भाई तो नारा लगाते थे, अजीम भाई की होर्डिंग हम पढ़ते थे, यही तो लिखते थे कि मीठा पानी आना चाहिए फिरोजाबाद में। मीठा पानी बताओ, मीठा पानी आ रहा है कि धीमे धीमे शुरू हो गया क्या नहीं, और काम शुरू हो गया। ये पानी वाली समस्या का भी समाधान अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और यहाँ के सांसद अक्षय यादव और अजीम भाई को जिताइए, तो बहुत जल्दी और भी सुविधा देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हमारे तमाम मजदूर भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं, सरकार समाजवादियों की बनेगी तो उनके लिए सस्ता खाना खाने के लिए समाजवादी कैंटीन बनाने का काम समाजवादी सरकार करेगी। लखनऊ में तो शुरू कर दिया है, लखनऊ में तो बन गई है, जो हमारे रजिस्टर्ड मजदूर होंगे उनको भी सुविधा देंगे, साइकिल पट्टी होगी, उनके परिवार की बच्चों की अगर शादी होगी तो मदद करेंगे, और साथ ही साथ एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें, समाजवादी पेंशन देंगे। और अब तो हमने तय किया है कि अभी तो 500 रुपए देते थे, सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाएगी तो 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। नौजवानों को नौकरी, रोजगार और पुलिस भर्ती आसान करने का काम किया है। पहले तो दो दो परीक्षा लिखनी पड़ती थी, अब परीक्षाएं खत्म कर दी हमने, और कहा कि 10वां 12वें के नंबर ले आना और भाग के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस भर्ती में हो जाएगा, कहीं उसको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए बताओ इससे बेहतर कोई काम कर सकता है। हम अपने व्यापारी साथियों को भी कह रहे हैं कि हम सुविधा देंगे, और व्यापारियों की भी सुरक्षा के लिए अगर कुछ कदम ठोस उठाने पड़ेंगे तो हम समाजवादी लोग उठाएंगे। इसलिए फिरोजाबाद के साथियों, हमें आप पे भरोसा है, जितने लोग मैदान में हैं
और जो मैदान में नहीं आए, जो हमारी बात सुनेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, उनसे भी हमारी अपील और निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इन बीजेपी के लोगों ने तो आलू कोल्ड स्टोर का पूरा फिकवा दिया, क्योंकि किसानों को पैसा ही नहीं मिल पाया, मजदूरों को भी नहीं पैसा मिल पाया। नोटबंदी की वजह से आलू ऐसे ही फेंकना पड़ गया। इस फिरोजाबाद के विकास के लिए अक्षय यादव तो कर ही रहे हैं काम, और मान लो अजीम भाई और संजय यादव और सब विधायक जीत जाएंगे, सरकार हमारी होगी, तो बताओ कौन काम करेगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, और फिरोजाबाद के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, ये भी हम बता दें आपको। और हमारा आपका जो रिश्ता है, बताओ कहीं हो सकता है ऐसा? और आप चाहोगे भी खत्म करना तो नहीं खत्म होगा, बताओ? अगर आप चाहोगे खत्म करना तो खत्म हो जाएगा क्या? अच्छा ये बताइए, रहने वाले हम कहां के हैं? तो फिर बताओ क्यों हमें पीछे छोड़ोगे? एक बार हमारी फिर मदद कर दो, जिससे समाजवादी सरकार और बन जाए। ये चुनाव केवल इनका नहीं है, मैं अपने तमाम व्यापारी साथियों को, फिरोजाबाद के लोगों को कहना चाहता हूं, ये चुनाव अजीम भाई का जरूर है, लेकिन चुनाव तो हमारा है असली। बताओ हमें जिताना चाहते हैं कि नहीं जिताने जाते हैं? बताओ। तो एक बार फिर हमारी सरकार बनाओ, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि फिरोजाबाद में काम किया है और भी काम करेंगे हम लोग। और अब दो नौजवान नेता साथ हैं कि नहीं है, बताओ? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो नेता साथ हैं कि नहीं, बताओ? तो अब सरकार बनाने के लिए मदद करो, चुनाव जिताइए। और ये जो लड़के नारे लगा रहे हैं, रुक जाइए, ये जो नारे लगा रहे हैं, एक मिनट जाओ, ये जो नारे लगा रहे हैं वो बाद में समझ में आएगी आपको, तब मैं बताता हूं। बताओ महिलाओं को समाजवादी पेंशन सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? समाजवादी लोग। महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस चलाने का काम कर रहे हैं समाजवादी लोग, और बस में भी किराया आधा कर दिया महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने। लड़कियों को विद्याधन किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने। और आप फिरोजाबाद में पता कर लेना, सबसे ज्यादा लैपटॉप भी अगर किसी को मिला होगा तो वो लड़कियों को मिला है। तो इसलिए जो डिंपल भाभी का भी यही क्षेत्र है, इसलिए जिता देना। इसलिए फिरोजाबाद के विशेष हम माताओं बहनों से भी निवेदन करेंगे कि केवल जो उपलब्धि, जो योजनाओं से लाभ पहुंचा है, मान लो गिन लेना, विद्याधन, लैपटॉप मान लेना, समाजवादी पेंशन वाला मान लेना, अगर इन्होंने ही केवल वोट दे दिया तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, उसका पता नहीं लगेगा। और जो देश को धोखा दिया है बीजेपी वालों ने, और जो बीजेपी वालों ने धोखा दिया, ये हमारे व्यापारी जानते होंगे मंच पर। बताओ सबसे ज्यादा इनकम टैक्स का नोटिस किसको मिला है? व्यापारियों को नोटिस किसने दिया है? और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने बताओ बुला के अलग से आपको नहीं कहा कि काला धन थोड़ा सा या वैसा पैसा जमा कर दो जिससे हम अपने आंकड़े ठीक कर लें? इसलिए फिरोजाबाद के व्यापारी साथियों, बीजेपी ने आपको धोखा दिया, नोटिस देकर के परेशान किया, और आप जो ईमानदारी से कारोबार कर रहे हो उसको भी कह दिया काला कारोबार। इसलिए व्यापारी साथियों, फिरोजाबाद की जनता मदद करना, एक बार फिर समाजवादी सरकार बनाने के लिए मदद कर देना। और ये बीजेपी वाले तो कहते थे कि उनके पांच, बीजेपी वाले यही तो आप पे आरोप लगाते थे कि पांच मुख्यमंत्री हैं। हम तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो एक ही मुख्यमंत्री प्रत्याशी रहा, अगर तुम पे एक भी हो तो बता दो हमें।
पांच बोलने वालों पर एक भी प्रत्याशी हो तो बता दो। और पत्थर वाली सरकार के बारे में हम इसलिए नहीं कहेंगे कुछ क्योंकि 9 साल से लखनऊ में हम हाथी देख रहे हैं। जो खड़े हाथी वो खड़े ही हैं, बैठे वाले बैठे हैं, बैठे वाले खड़े नहीं हुए, खड़े वाले हाथी अभी तक बैठे नहीं। इसलिए मदद करो, सहयोग करो, ये हमारा चुनाव है। फिरोजाबाद के लोगों, एक बार मदद करके हमारी समाजवादी सरकार बना देना। यही निवेदन, यही अपील आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।